स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे TGT 2018 के लिए तैयारी। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन ये है कि 7-30 √-2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका स्क्वायर रूट पूछा गया। तो ऐसे तो वर्गमूल निकालना कठिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, लेट √7-30 √-2, इसका स्क्वायर रूट हमने मान लिया x-iy। ठीक है, x-iy में तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 30-2 = स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x2। आई स्क्वायर पहलू +1 हो जाएगी, वो माइनस वन तो माइनस वन प्लस 22 स्क्वायर, हम नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि प्लस तो होता ही ऑलरेडी, तो माइनस होगा माइनस और माइनस 2x y। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इमेजिनरी n, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7-30 √2 √-1, इसको आई लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा x² - y² - 2x y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखिए रियल पार्ट हमारा कितना है, इतना है, इमेजिनरी पार्ट हमारा इतना है, इसका इतना। ठीक है, चलिए तो रियल पार्ट हो जाएगा x² - y² = 7 हो जाएगा, और 2x y = हो जाएगा हमारा 30 √2। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, दो इक्वेशन बन गई, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्या करें, अब x² - y² हमको पता है, तो हम लोग x² + y² निकाल रहे हैं, तो x² + y² का होल स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा x² - y² का होल स्क्वायर और +4x² y². जब ये आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, x² - y² की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 4, ये देखो 4x² y², ये पूरा यही उतार दो, ये लिखा है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर × 2, तो ये आ जाएगा 900 × 2, यह आ जाएगा 49 + 1800, तो 1849 ये हमारा आ गया। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आएगा x² + y² √1849 = इसका आएगा, आप लोग कर लेना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे, +-43। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 3 आ गई और इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा 2x² = ये प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, ये आएगा 50, तो x² = आएगा 25, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा +-5। अब जब घटाएंगे तो यहाँ से आएगा y² = 18 and y = ±3√2। ये वैल्यू जब आ जाएंगी तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यू आएंगे, इसके रूट क्या आएंगे, एक आएगा 5, जब प्लस लेंगे तो -3√2 × i और आएगा -5 -3√2 × i, तो इसके दो रूट आ गए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे √20, यानी कि इकाई के घनमूल।
इकाई के घनमूल क्या होते हैं। सपोज मान लेते हैं इकाई का घनमूल एक्स है, तो एक्स इक्वल टू वन का घनमूल है, ठीक है। वन का घनमूल क्या है, एक्स हमने मान लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा वन। इसको वन को इधर लाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस पहले वाले से आएगा एक्स इक्वल टू वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन टू। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वन माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू, तो हमारे तीन रूट आएंगे। एक तो हमारा वन आ गया, एक इसको जब पॉजिटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। नेक्स्ट आएगा जब इसको माइनस लेंगे तो माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। ये ओमेगा के तीन मान होते हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा, इसको इसी को हम लोग कहते हैं ओमेगा, इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसको वन तो वन होता ही है। इसी में एक कंडीशन और है इसकी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है जीरो। तो ये नोट कर लीजिए, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ देता है यदि कोई एन धन पूर्णांक है तो ओमेगा पावर थ्री एन, ये पूछ देता है तो ओमेगा क्यू इंटू एन लिख लो, ओमेगा क्यू की वैल्यू वन, वन की पावर एन इक्वल टू वन, ठीक है। इसे इसको तोड़ दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, यदि आपको दे दिया जाए ओमेगा इक्वल टू, ये आपको दे दिया जाए माइनस वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू आई। तो प्रूव करना है, टू प्रूव ओमेगा क्यू इक्वल टू वन, ओमेगा की वैल्यू दे दी आपको, ओमेगा क्यू इक्वल टू वन दिखाना है। तो हमें दिया क्या है, ओमेगा इक्वल टू दिया है माइनस वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू आई। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ये कॉस कितने वैल्यू है, कॉस 120 की वैल्यू है, प्लस ये साइन 120 की वैल्यू है आई, ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस आस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। हम लोग इसमें डिमोवर लगाएंगे, डिमोवर थ्योरम अभी हमने आपको बताई नहीं लेकिन अभी बताने वाले हैं। तो इसका अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू आएगा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 का होल क्यूब, क्योंकि डिमोवर थ्योरम में यही फॉर्म होती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर होल एन। तो क्या होता है, कॉस एन थीटा हो जाता प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता। तो कॉस यहाँ से एन थीटा, एन 3 है तो 3 तो कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 प्लस आई इंटू 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। कई बार क्वेश्चन आया,